जिले के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक डबरा के गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। वहां कोरोना योद्धाओं के रूप में जाकर प्रवासी मजदूरों का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लिया जा रहा है। इन कोरोना वॉरियर्स को सलाम है जो लगातार मार्च महीने से जारी लॉकडाउन में गांव-गांव जाकर प्रवासी मजदूरों व चिन्हित ग्रामीणों का स्वास्थ्य चेकअप कर अपने कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं। पिछले 4 माह से घर से दूर रहकर कोरोना योद्धा के रूप में अपने जान की परवाह नहीं करते हुए निष्ठा के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। इन कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम। सैकड़ों आरडी किट और आरटीपीसीआर का सैंपल ले चुके हैं। डबरा ब्लॉक के अनेक ग्रामों में जाकर 10,727 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों में से 1,555 का सैंपल लिया जा चुका है, जिसमें 35 लोगों का पॉजिटिव केस निकला है। ये लोग भी अपनी जान जोखिम में डालकर क्वारंटाइन सेंटरों में जाकर संदिग्ध मरीजों का सैंपल ले रहे हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रोजाना कहीं न कहीं ब्लॉकों में कोरोना पॉजिटिव के मरीज मिलते जा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा मिलने से स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। ये जाबाज अपनी जान की बाजी लगाकर अपने कार्य के प्रति लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ब्लॉक डबरा के लिए लैब टेक्नीशियन जादू सिंह सिदार और राकेश बंजारे के नेतृत्व में 2 टीम बनाया गया है, जिसमें MLT सूर्यकांत जगत, दीपक डनसेना, आयुष नारंग, विनोद साहू, भूषण महिपाल, शांतनु चंद्रा और ड्राइवर बिहारी साहू, लोकेश्वर नामदेव, संतोष बड़े टीम बनाकर पूरे ब्लॉक में सैंपल लेकर बड़ी मेहनत से यह काम कर रहे हैं, जो कि अपने परिवार से दूर रहकर अपने कर्तव्य पथ पर लगातार बने हुए हैं। और वहीं कोरोना योद्धा राकेश बंजारे ने बताया कि सेवा करना उनके लिए गर्व की बात। इस वैश्विक महामारी के रोकथाम में अपना सहयोग दे पा रहे हैं और परिवार भी उनका हौसला बढ़ा रहा है। ब्लॉक डबरा क्षेत्र की कई क्वारंटाइन सेंटरों में अभी भी 78 प्रवासी मजदूर बचे हुए हैं। वहीं लगातार स्वास्थ्य टीम, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, पुलिसकर्मियों, पत्रकारों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों के सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजे गए हैं एवं इन कोरोना वॉरियर्स द्वारा लगातार क्षेत्र में जाकर जांच कर रहे हैं। अभी तक कोरोना पॉजिटिव मिला है। डबरा ब्लॉक क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर ग्राम तेंदुमुड़ी में 2, ग्राम कांसा में 24, छोटे कटेकोनी में 1, सुगदा में 4, बगरैल में 1, चंद्रपुर में 1, ग्राम खुरगट्टी में 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें कुल ब्लॉक में 35 पॉजिटिव हैं। DNX TV के लिए जांजगीर चांपा से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हम है जादू सिंह सिदार, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डबरा में MLT के पोस्ट पर पदस्थ हूँ और महामारी कोरोना में अभी हम लोग का ड्यूटी लगा हुआ है। मार्च 2020 से हम लोग विकासखंड में बनाए हुए विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं, उनमें जा के जो लिस्ट दिया जाता है उसके अनुसार से सैंपलिंग करते हैं और PPE किट पहनते हैं। PPE किट पहनने में बहुत सारी एनर्जी जो है चली जाती है, पसीना निकलता है। तो अभी तक के हम लोग 1,000 से ज़्यादा कलेक्शन कर चुके हैं। हमारे ब्लॉक में अभी तक 35 पॉजिटिव आ चुका है। उनको आइसोलेशन में रखे हुए थे, कुछ लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं और कुछ लोग का इलाज चल भी रहा है। कुमार बंजारे हैं, मैं PSC चंद्रपुर में MLT के पद पर पोस्टेड हूँ और यहाँ अभी मार्च 2020 से लेकर अब तक हमें 3-4 महीने से लेकर अभी तक हम लोग अभी CSC डबरा में रहकर हमारे द्वारा बनाए गए जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं उसमें 1525 सैंपल ले चुके हैं और आगे भी हमारा ये प्रोसेस लगा हुआ है, जिसमें से हमें अभी 35 पॉजिटिव मिल चुका है और अभी उन लोग का इलाज, कुछ लोग का इलाज चल रहा है और कुछ लोग ठीक होकर स्वस्थ होकर आ भी गए हैं। डबरा ब्लॉक में अभी तक जो है 10,727 लोग जो है बाहर से आए और उनमें से 78 लोग जो है बचे हुए हैं जो अभी क्वारंटाइन है। यहाँ डबरा ब्लॉक में 1525 लोगों का जो है ना RT-PCR जांच किया गया था, उसमें से 35 पॉजिटिव आए और हमारे यहाँ लैब टेक्नीशियंस की 2 टीम जो है काम कर रही हैं, जो कि प्रतिदिन जो है ना सैंपल लेने का काम करते हैं और 14 दिन बाद जो है ना इनकी जांच करने के पश्चात जो है ना इनकी ड्यूटी चेंज कर देते हैं।